हेलो टेंथ क्लास, वी आर हेयर फॉर अनदर वीडियो ऑन द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस इज योर सोशल साइंस वीडियो. नाउ टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस एन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट. वेल वी हैव वेरियस सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल ऑल्सो एंड इनफॉर्मल ऑल्सो. ठीक है, getting the credit from the bank, that means bank is a formal source. Formal source कौन सा source होता है? जहाँ पे आपको proper documentation करके proper system से proper terms and condition से loan provide किया जाता है. उसका repayment mode क्या होगा, कितनी tenure के लिए होगा, everything is fixed. और informal में there is no such things. When you get the money from the private money lenders, वो इनफॉर्मल क्रेडिट का सोर्स है. ठीक है, इनफॉर्मल क्रेडिट के सोर्स में नथिंग इज प्री डिसाइडेड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिटेल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी लेगा, ये भी लेगा, रीपेमेंट ऑफ द मनी फॉर्मल में भी आपको देना है, इनफॉर्मल में भी देना है, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस. So in your board exam, this is the best first choice of the examiner to ask you a question on formal and informal sources of credit. See, India is mainly an agricultural country. So, near about 70% population, 68-70% population is involved in the agricultural activities. And condition of the farmers, sab jante ho aap. So every now and then they are in need of money. So they are not literate, पढ़े लिखे नहीं हैं, knowledge नहीं है, उनका reach नहीं है, approach नहीं है, और वो जल्दी से informal sources के पास जाते हैं और कुछ ना कुछ as a collateral उनको दे देते हैं and they get the money. They get the money immediately. So to fulfill their immediate needs, most of the people, especially from the agriculture sector, they prefer informal credit facilities. ठीक है, उसके नुकसान क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं, उनको इमीडिएट जो बेनिफिट लगता है कि इमीडिएटली वी गेट द मनी, कभी भी एनी टाइम दे गो एंड दे गेट द मनी फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन्स, जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हैं, दे चार्ज सच ए ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट कि वो जो एग्रीकल्चरल फील्ड का फार्मर है वो डेप्ट ट्रैप में आ जाता है. व्हाट इज डेप्ट ट्रैप? डेप्ट ट्रैप होता है, ट्रैप होता है फंस जाना, किसी पिंजरा जैसे होता है, रैट का ट्रैप होता है ना, रैट पकड़ने के लिए जो लगाते हो आप. तो डेप्ट ट्रैप मतलब कि द फार्मर इज नॉट, या द पर्सन इज नॉट इन ए पोजिशन टू कम आउट ऑफ दैट ट्रैप. द मोर ही इज पेइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूसली दे रहा है, बट स्टिल हिज अमाउंट इज इंक्रीजिंग एट टाइम्स बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट एड हो रहा है. वो प्रॉपर अपनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा और एक्यूमुलेट होते 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 उसका जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट लिया होता है उससे डबल ट्रिपल साइज का उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो अमाउंट है जो उसने लोन लिया होता है, वो इंक्रीज हो जाता है. सो वी आर हेयर टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज एज वेल एज द शॉर्टकमिंग्स. फायदे भी हैं दोनों के और नुकसान भी हैं. अब फॉर्मल सोर्सेज जो हैं वो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई नहीं रहता, नॉमिनल होता है, नॉर्मल होता है. वेरेज जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं वहाँ पे जो लोन है, क्रेडिट है, वो बहुत हाई रेट पे मिलता है. मनी लेंडर से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो, ट्रेडर से ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो, ये सारे ऑल दीज आर द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट. तो दे चार्ज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर देयर चॉइस. और ऑन द अदर साइड बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होगी, स्पेशली फॉर द रूरल सेक्टर, फॉर द एग्रेरियन सेक्टर, आवर गवर्नमेंट हैज प्लान सो मेनी थिंग्स. कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, नाबार्ड नाम सुना होगा आपने, NABARD, मतलब गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग सो मेनी फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट कि हमारा जो गरीब किसान है या जो हमारे जो नीडी पीपल हैं, दे डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट डेप्ट ट्रैप.
Why? Because they charge nominal rate of interest. उनकी repayment की conditions are clear to them. They are easy. Not much documentation is required. Means everywhere plus point are more in the formal system than the informal system. Clear? So thank you. Wait for the next video.